दोस्तों, अगर आपने भी TPLC जनवरी 2017 के लिए अप्लाई किया था फॉर्म, तो आपके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे कि पेपर कब होगा और उसका एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा, क्योंकि अब मार्च महीना आने वाला है, मार्च में इसका पेपर होता है 1.5 महीने के बाद। तो आपके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे कि सर अभी तक पेपर क्यों नहीं हो रहा है, तो उसका एडमिट कार्ड कैसे मिले, काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इसमें क्या दिक्कत आई है, कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं इस वजह से, अभी कोई टेक्निकल रीजन की वजह से NIT ने इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाया है। तो चलिए आगे आगे आप पूरी वीडियो देखिएगा, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्यों ये दिक्कत आई है। दोस्तों, मैं बता दूँ ये NIT वेबसाइट मैंने खोली हुई है। तो जैसे कि जनवरी में अगर आपने अप्लाई किया था तो उसका पेपर 1.5 महीने के बाद हो जाता है, जैसे कि फरवरी में नहीं होता है तो मार्च के फर्स्ट वीक में 15 तक हो जाता है। तो इस बार नहीं हो पाया, तो वही मैं बता दूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो ये NIT साइट है, इसमें दिखा रहा है कि फरवरी के बाद अभी मार्च का जो एडमिट कार्ड है उसका लिंक नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कोई ये भी प्रॉब्लम है, इस वजह से शो नहीं हो रहा। तो चलिए आपको कुछ दिखा देते हैं। तो ये उन्होंने PDF अपलोड की हुई है, अनाउंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर डिजिटल लिटरेचरी कोर्सेज फॉर दी मंथ ऑफ मार्च। मार्च की तो उन्होंने मतलब कहा है कुछ, ड्यू टू सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ डिजिटल कोर्सेज TCC BCC एंड IRDA शेड्यूल टू बी हेल्ड इन मार्च हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड एंड दी रिवाइज एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज अंडर। तो ये कुछ उन्होंने स्टेट बताए हुए हैं। तो फेस वन में आपका दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एग्जाम डेट 4 मार्च, और सेकेंड फेज में ऑल स्टेट UTS अंडर देन दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश 11 मार्च, और थर्ड उत्तर प्रदेश में 18 से 19 मार्च। ऑल कंसर्न आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली टेक ए नोट ऑफ इट, कीप themselves अपडेट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पब्लिश ऑफ एडमिट कार्ड ऑन दी वेबसाइट ऑफ NIT। तो उन्होंने अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है, तो टेक्निकल रीजन की वजह से इन्होंने अभी अपलोड नहीं कर पाया है। तो इन्होंने कुछ डेट दी हुई है, शायद अगर इसमें पेपर हो सकता है तो हो, नहीं तो ये डेट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, कुछ अभी कंफर्म नहीं है इसमें। तो इन्होंने दिया है यहाँ पे कुछ फेस बना है, इस फेस में इस डेट को होना है एग्जाम, तो शायद देखिए हो भी सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आपको बता दिया जाएगा जैसे भी कुछ जानकारी आएगी। वैसे मार्च में होना था, तो अभी एडमिट कार्ड वगैरह कोई इशू नहीं हुआ है, वेबसाइट पर भी हमने आपको दिखा दिया है। तो अभी जनवरी फरवरी अब यहाँ मार्च लिख के आ जाएगा, तभी आप जो जनवरी में अप्लाई किए हैं वो स्टूडेंट वो लोग पेपर दे सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस वजह से नहीं, काफ़ी लोगों के मेल मेरे पास भी आए कि सर मैंने जनवरी में अप्लाई किया, उसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब निकलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल में आज, तो आप लोग परेशान ना हों, जैसे भी आपको कोई जानकारी हमारे पास आएगी हम तुरंत आपको बता देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें तो आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।